उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहते हैं, प्लस वो शादी मतलब लड़कियों को बेवकूफ़ बना के हर साल नई नई शादी करते हैं। अभी ये 5वीं शादी है उनकी। हाँ, पहली वाइफ मैं हूँ। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर एक महिला ने न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि पति सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंजीनियर है और पति ने उसे धोखा दिया, 5 अलग अलग लड़कियों से शादी कर चुका है, जिसकी उसने महिला थाने में FIR भी दर्ज कराई, लेकिन आज तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया और वह विदेश भागने की फिराक में है। पासपोर्ट और दस्तावेजों को जब्त किया जाए। दरअसल ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगा रही पीड़िता ममता जमरा है, जिसकी शादी 13 मई 2018 में मुरार तकोनिया के रहने वाले रुस्तम सिंह शेखर से हुई थी। साल 2022 में उसने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया, जो अब तक न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित महिला ने पति पर आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के बाद से उसका पति कंपनी के काम का हवाला देते हुए कई दिनों तक घर से गायब रहता था, जिसकी उसने छानबीन की तो उसके होश उड़ गए। उसके पति के अलग अलग लड़कियों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का पता चला। साथ ही उसके परिवार ने लड़कियों के परिवार वालों को हाई एजुकेटेड होने का हवाला देकर अलग अलग शादियां करवा दी। अभी तक वह 5 शादियां कर चुका है। महिला के मुताबिक पति एक विदेशी कंपनी में काम करता है। उसके खिलाफ 2 साल से वारंट भी न्यायालय से जारी हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। अब उसका पति विदेश भागने की फिराक में है, जिसे लेकर वह पुलिस अधिकारियों से उसके दस्तावेज और पासपोर्ट जब्त करने के लिए गुहार लगा रही है। बता दें, न्याय की गुहार लगा रही पहली पत्नी ने नियमों के अनुसार न्याय मांगा है। शिकायत पर DSP महिला अपराध शाखा किरण अहिरवार ने पीड़ित महिला की बातों को सुन उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। DSP किरण अहिरवार ने बताया कि पीड़ित महिला का आरोप है कि पति सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंजीनियर है, पति ने उसे धोखा देकर 5 अलग अलग लड़कियों से शादी की है। उसने महिला थाने में FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन आज तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। अब वह विदेश भागने की फिराक में है। उसके पासपोर्ट और दस्तावेजों को जब्त किया जाए, उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मेरी शिकायत ये थी कि मेरा महिला थाने में पिछले 2 साल से प्रकरण चल रहा है 498 का, और भी प्रकरण चल रहे हैं मेरे हस्बैंड को लेके। तो वो मेरे हस्बैंड उसमें अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, उनकी जमानत भी नहीं हुई है। 2 साल से फरार मुजरिम है वो, और उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। थाने को तामील कराने के लिए अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, लेकिन आज दिनांक तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। वो अभी किसी भी केस में अपेयर नहीं हुए हैं। तो अभी जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि SP के थ्रू वो किया जाए, तामील करवाई जाए, तो इसके लिए मैंने, क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड हैं तो उनके विदेश जाने के 100% चांस हैं, तो मैं चाहती हूँ कि SP सर, माननीय SP सर जो हैं, उनके मतलब मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके डॉक्यूमेंट, जैसे पासपोर्ट वगैरह, ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी सीज कर लें। मेरे हस्बैंड जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंजीनियर है, एक प्राइवेट मतलब विदेशी कंपनी है, कॉमसॉल, उसमें है। तो अभी क्या मतलब मैटर क्या था इनका, पूरा शादी वाली मैटर ये था कि वो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहते हैं, प्लस वो शादी मतलब लड़कियों को बेवकूफ़ बना के हर साल नई नई शादी करते हैं। वो शादी करके दहेज लेके, और उनके घर वाले और वो मिलके गैंग टाइप से हैं, पूरे उनकी बहनें, उनके बहनोई और उनका भाई वगैरह, माँ बाप वगैरह सब मिलके लड़कियों को फंसाते हैं। मेरे हस्बैंड के थ्रू अच्छी प्रोफाइल है उनकी, तो बता के लोगों को बता के इम्प्रेस करते हैं कि मेरा लड़का अच्छा है, फलाना है, ढिकाना है, दहेज फिक्स करते हैं, दहेज लेते हैं, शादी करते हैं, लड़कियों को भगा देते हैं। अभी पिछले साल ही एक ज्योति गोयल नाम की लड़की है, जो ग्वालियर की ही कोई सुरेश गोयल है, पटवारी, उनकी बेटी है। तो उससे उन्होंने शादी की है भरतपुर जाके, राजस्थान में, वहाँ जाके शादी की, तब से फरार हैं, और उन लोग भी अब मदद कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। अभी ये 5वीं शादी है उनकी। हाँ, पहली वाइफ मैं हूँ उनकी। हाँ, 23 मई 2018 को मेरी शादी। सर वो मैं जब साथ रहने लगी तो मुझे पता चला कि वो कहीं और जाते हैं आते हैं ऐसा, तो बार बार वो मुझे मंथ में एक आध बार मेरे पास आते हैं, बाकी समय चले जाते इधर उधर। तो फिर मैंने वो चालू किया, उनका शेड्यूल जानना चालू किया कंपनी से कि ये कहाँ जाते हैं घर के। तो कंपनी की विजिटिंग होती है तो उसका शेड्यूल 1 साल पहले जारी हो जाता है। जब मैंने चेक किया तो ऐसा कोई शेड्यूल ही नहीं था। फिर मैंने उनकी निगरानी की तो मुझे पता चला कि वो मल्टीपल मैरिज में है। क्या नाम है इनका, कहाँ रहते हैं ये? ये मेरे हस्बैंड का नाम है रुस्तम सिंह शेखर, उनके पापा का नाम है रमेश सिंह शेखर, और ये मुरार के रहने वाले प्रॉपर। अच्छा, मुरार तिकोनिया के। मेरा कोई वो नहीं है प्रॉपर ठिकाना, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। अच्छा, कितने साल पहले शादी हुई? मेरी 5-6 साल पहले शादी हुई थी। तो
2018 में शादी हुई। आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड की गिरफ्तारी हो और वो प्रॉपर रीज़न बताए, वो मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, और मेरा जो भी बनता है मतलब उनके साथ रहने का, मेरे जो ह्यूमन राइट्स हैं, मेरे बेसिक राइट्स हैं, वो वायलेट हो रहे हैं, तो मैं उनको बचाना चाहती हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। एक लड़की आई थी 2018 में, उसकी शादी हुई थी और 2022 में महिला थाने में उसका अपराध पंजीवृत किया गया। वर्तमान में अपराध न्यायालय में चल रहा है और उसका भरण पोषण का भी केस लगा है, वो भी न्यायालय में चल रहा है। लड़की का कहना है कि पति उस समय पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है और वारंट जारी किए गए हैं। वारंट जैसे ही थाने पे आएंगे उसको तामील कराया जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। तो कहना कि विदेश में नौकरी करता है, वो सकता है विदेश भाग जाए। लड़की का पति IITians है और अभी कहाँ नौकरी कर रहा है ये अभी उसको स्वयं क्लियर नहीं है, लेकिन उसका ये कहना है कि पति के पास पासपोर्ट है और वो विदेश भी जा सकता है, इसलिए वो पासपोर्ट जब्त कराने के लिए आवेदन देने आई थी। लड़की का ये कहना है कि पति कमाता अच्छा है, इसलिए वो फ्रिक्वेंटली शादी कर रहा है और अभी वर्तमान में उसने 5वीं शादी करना बताया है उसने, और ये आप स्वयं को अपनी पहली पत्नी बता रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।